Mm-hmm. स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स काटना में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हम लोग प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी होमवर्क सीरीज के आज हम लोग तेरह नंबर क्लास को आज हम लोग हैं तो सभी लोग आ जाइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी लोग फटाफट आइए पुष्पधारी जी गुड मॉर्निंग पूनम जी गुड मॉर्निंग मधु गुप्ता जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी गुड मॉर्निंग अमित कुमार जी गुड मॉर्निंग कोमल जी गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र जी गुड मॉर्निंग चलिएगा कोई बात नहीं अमित जी दो दिन से नहीं थे आज जुड़ गए हैं चलिएगा मोनुकांत जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए चैनल के साथ क्योंकि हम लोग का जो सुबह ही ग्यारह बजे से हम लोग का लाइव क्लास चलता है सभी को पता है अविनाश जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को पता है कि हम लोग लूसेंट और एसपीडी से होमवर्क सीरीज करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम लोग पंद्रह करंट अफेयर के क्वेश्चन को, को डिस्कस करते हैं जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो सभी लोग फटाफट आ जाइए क्योंकि हम लोग का जो टाइमिंग है वो शुरू हो चुका है चलिएगा अविनाश जी गुड मॉर्निंग प्रभात कुमार जी राम राम ज्योति जी गुड मॉर्निंग अविनाश कुमार जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो अब हम लोग का टाइमिंग हो चुका है अब हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद जो होमवर्क आपको कल दिया गया था उसको हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ जुड़ जाते हैं चलिएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सीन पर आ गया ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को क्वेश्चन है कि हाल ही में बी -सी -सी ने अपना अंतरिम सी किसे बनाया है बता दीजिएगा सब लोग फटाफट चलिएगा स्टडी विथ स्वाति स्वाति जी गुड मॉर्निंग अश्विनी जी गुड मॉर्निंग विकास शर्मा जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए चैनल के साथ चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर आ गया है कोमल जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिए दीपक जी गुड मॉर्निंग अंकुश ऑफिशियल जी का भी आंसर सही आ गया जयप्रभा जी का भी सही है कबीर सिंह जी का भी सही है चलिए सभी लोग फटाफट जुड़िया जाइए चैनल के साथ क्योंकि हम लोग का जो क्लास है शुरू हो चुका है चलिएगा प्रभा जी गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र जी गुड मॉर्निंग चलिएगा प्रभा जी का भी सही आंसर आ गया सोनी जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो चलेगा तरफ बढ़ जाती है ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा हेमांग अमीन को हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा बीसीसीआई का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया होता है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अगर बीसीसीआई का अगर स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था तो 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ था ध्यान दीजिएगा इसका अगर मुख्यालय की बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा मुंबई में इसका मुख्यालय है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अगर इसका अध्यक्ष का अगर बात अगर किया जाएगा तो अध्यक्ष अभी कौन है तो ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है और सचिव का अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा जय शाह सचिव है चलिएगा चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग अरविंद जी गुड मॉर्निंग नंद किशोर जी गुड मॉर्निंग चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट अगला क्वेश्चन है कि एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से बताइएगा कि हाल ही में किसे सम्मानित किया गया बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसको सम्मानित किया गया है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा बताइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को ऊपर आ गया है तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा लाइक भी कर दिया कीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा मंटू जी का सही आंसर आ गया है जया प्रभा का सही है पूनम जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है धर्मेंद्र जी का सही है अरविंद जी का सही है दीपक जी का भी सही है नंदकिशोर जी का सही है प्रभात जी का सही है अमित जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट चलिएगा शोभा जी का आंसर सही आ गया है विकास जी का सही है पुष्पधारनी जी का भी सही है चलिएगा तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ यानी हाल ही में एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया तो कौन सा ऐसा राज है छत्तीसगढ़ को हाल ही में सम्मानित किया गया है तो ध्यान रखिएगा अब ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में इसको जो सम्मानित किया, तो किया गया तो किस लिए सम्मानित किया गया तो ध्यान रखिएगा यानी मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था इसको सही तरीके से मतलब सुचारू रूप से चलाने के एवज में इसको दिया गया तो ध्यान रखिएगा अब ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात आई है तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में प्रारंभ हुआ था कल ही के क्वेश्चन में लोग किए थे कि ई लोक अदालत प्रारंभ किया गया कहा छत्तीसगढ़ में उसके बाद पढ़ई त्योहार द्वार भी प्रारंभ किया गया कहा छत्तीसगढ़ में उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना भी प्रारंभ किया गया है कहा में तो ये भी छत्तीसगढ़ में उसके बाद अभी जो स्पंदन अभियान है एक स्पंदन अभियान भी प्रारंभ किया गया भी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया अभियान आप सभी को पता होना चाहिए कि पुलिस जो डिप्रेशन होते हैं उनको दूर करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आई है तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है अगर राज्यपाल की बात अगर किया जाएगा तो यू के हैं यहाँ के राज्यपाल चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके ध्यान दिएगा कि हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ बताइएगा कि किस राज्य में देखा गया है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं चैनल के साथ सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है ज्योति जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा निधि जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है मंटू जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है रूपक जी का सही है दीपक जी का भी सही है प्रभा का सही है अमरिंदर जी का सही है अरविंद जी का सही है अविनाश जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं कोमल जी का भी सही आंसर आ गया चलिए तो आंसर की तरफ रहता हैं उदय सिंह जी का भी सही है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा असम में हाल ही में जो देखा गया यानी एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया वो कहां में देखा गया तो ध्यान रखिएगा असम में देखा गया इसको तो ध्यान रखिएगा अब इसको कहां में देखा गया तो असम का काजीरंगा जो अभ्यारण है वहां पे देखा गया तो इस बात को ध्यान रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और काजीरंगा ऐसे फेमस है किस लिए तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है तो यह भी ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा कहाँ स्थित है असम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात आई है असम की तो असम को हाल ही में बेहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ को यानी अपग्रेड किया गया है नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया दो तीन दिन पहले क्वेश्चन आया था तो ये भी आप उसके बाद यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की अगर बात अगर किया जाएगा तो सर्वानंद वाले यहाँ के मुख्यमंत्री है गवर्नर की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा यानी जगदीश मुखी गवर्नर है चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना को लागू करने में बताइएगा कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है बता दीजिएगा सब लोग फटाफट अगला क्वेश्चन आपके पर आ गया है चलिएगा बताइएगा चलिएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल बिहार में बन रहा है अभी इसका शुभारंभ होने वाला है देखिए क्या होता है हो, आ, आएगा करेंट सफेयर में तो मैं बता दूंगा चलिएगा मंटू जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा निधि जी का सही है पिंटू जी का सही है अमरिंदर जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है और बताइएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया है चलिएगा धानी जी का सही है धीरेन्द्र जी का भी सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है कोमल जी का सही है अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का सही है अरविंद जी का सही है चलिएगा विकास जी का विषय है, है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर ध्यान दीजिएगा प्रदेश हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर अब प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि योजना है क्या तो इसके तहत जो भी यानी छोटे व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको दस हजार रुपया दिया जाएगा व्यापार को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए अब ध्यान दीजिएगा इसको बात यहाँ पे अब मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश को हम लोग

मतलब प्रारंभ किया गया यानी जो भी महिला लोग को दिया गया है यानी 200 मास्क बनाने का टारगेट दिया गया है और उसको रुपये में सरकार उसको खरीदेगी और उसको मास्क को बेचने के लिए एक अभियान चला गया रोको टोको अभियान यानी जो भी व्यक्ति अगर रोड पर अगर ऐसे ही बिना मास्क को अगर नजर आता है तो उसको फाइन किया जाएगा यानी उसको इगारो रुपया वाला जो मास्क है उसको बीस रुपया में उसको दिया जाएगा तो ये भी कहा में तो ये भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया उसके बाद करमवीर पुरस्कार प्रारंभ किया गया तो ये भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया अब करमवीर पुरस्कार आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी पुलिस यानी तीसो दिन

सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं अब अगर राज्यपाल की अगर बात अगर किया जाएगा तो राज्यपाल वैसे लालजी टंडन है लेकिन अतिरिक्त प्रभार अभी दे दिया गया है आनंदी बेन पटेल को जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल है। हैं हैं चलिएगा चलिएगा अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते फटाफट आपके गया ध्यान कि हाल ही में डॉक्टर बिधु जी नायर को बताइएगा कि किस देश का अगला यानी किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है बताइएगा विधु जी नायर को बताइएगा चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए ज्योति जी का सही है कोमल जी का सही है जयप्रभा का सही है विश्वनाथ जी का सही है मंटू जी का सही है पिंटू जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अंकुश ऑफिसियल जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा सोनी जी का सही है पिंटू जी का सही है प्रभात जी का सही है उदय जी का सही है चलिएगा दीपक जी का सही है रोशन कुमार जी का भी सही है चलिएगा तो एंसर कितना बताया पांचवा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा राजेश जी का भी सही आंसर आ गया तो ऑप्शन इसका डी आंसर करेक्ट होगा ध्यान दीजिएगा तुर्कमेनिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा चलिएगाधु जी गुड मॉर्निंग तो तुर्कमेनिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में जी नायर को में नियुक्त किया गया तो ध्यान रखिएगा तुर्कमेनिस्तान के अब यहाँ पे और भी हम लोग कुछ देख लेते हैं यानी रवीश कुमार का हाल ही में नियुक्त किया गया तो रवीश कुमार को हाल ही में नियुक्त किया गया वो कहां का तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड में रवीश कुमार को राजदूत नियुक्त किया गया ध्यान रखिएगा ये

डूटा ने बताइएगा कि किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया निधि जी का सही है ज्योति जी का सही है मंटू जी का सही है जयप्रभा का सही है अश्विनी जी का सही है पूनम जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है सोनी जी का सही है चलिएगा अभिषेक जी का भी सही है परमानंद जी का सही है पुष्पधारणी जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलेगा प्रभात जी का सही है सोनी जी का सही है चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा पिंटू जी का भी सही है चलेगा तो आंसर कितना बढ़ते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा को कहां का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया तो ध्यान रखिएगा यानी पोलैंड का अब ध्यान रखिएगा पोलैंड का अगर कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो पोलैंड का जो राजधानी है वो कहाँ में जलोटि में है लेकिन पोलैंड से क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि पोलैंड के संसद का क्या नाम है तो ध्यान रखिएगा सोजिम है यहाँ के जो संसद का जो नाम है वो कहा सोजिम है तो चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं हम लोग फटाफट चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सबा गया ध्यान देगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस हेलो से सम्मानित किया गया है बताइएगा हाल ही में बताइएगा कि कौन से ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा निधि जी का सही है अश्विनी जी का सही है जया प्रभा का सही है विश्वनाथ जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है प्रभा जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है कोमल जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का सही है नंदकिशोर जी का सही है अभिषेक जी का भी सही है पुष्पधारनी जी का सही है मंटू जी का सही है अफरोज आलम जी का भी सही है परमानंद जी का सही है अरविंद जी का सही है चलिए सभी लोगों का सही आंसर आ रहा तो चलते हैं आंसर आंसर की ओर ऑप्शन ऑप्शन इसके जाएगा इसका करेक्ट हो ध्यान दीजिए यानी हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी उनको दिया गया है अब दिया गया ये किस लिए पुरस्कार तो ध्यान रखिएगा यानी पेयजल स्वच्छता और बीमारी की रोकथाम के लिए तो इसको ध्यान रखिएगा यानी पेयजल एवं स्वच्छता में काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्मृत पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन बताइएगा कि जो किया गया है बताइएगा किया जाने वाला है बताइएगा कि इसके लेखक कौन है बताइएगा चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है ज्योति जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है जयाप्रभा का सही है निधि जी का सही है पूनम जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है पिंटू जी का सही है पूनम जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अमित जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है मनीष कुमार राज जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है प्रभात जी का सही है

कोमल जी का सही है परमानंद जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन इसका क्या जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में अपना देश भारत को चाह बहार परियोजना से बाहर कर दिया है कौन सा देश तो ध्यान दीजिएगा ईरान ने बाहर किया है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अब ईरान उनके जो राष्ट्रपति के कौन है तो ध्यान रखिएगा हसरत रोहानी वहां के क्या है तो राष्ट्रपति ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें भारत को बाहर किस लिए किया गया तो भारत वित्तीय जो सहायता यानी कुछ पैसा जो था उसको देने से पीछे रह गया इसके वजह से इसको जो प्रोजेक्ट छीन लिया गया ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट अब क्या किया है तो

इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ हाल ही में पाकिस्तान के साथ बताइएगा कि चीन ने किस बंदरगाह को लेकर के समझौता किया है बताइएगा कि चीन ने बताइएगा कि पाकिस्तान में किस बंदरगाह को लेकर के समझौता किया है आप लोग फटाफट बता दीजिएगा कमेंट में जितने भी एस20 जुड़े हुए हैं सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा बिना भारती जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए हाल ही में बताइएगा कि पाकिस्तान ने चीन के साथ बताइएगा कि किस बंदरगाह को लेकर के समझौता किया है, है। बताइएगा चलिएगा मंटू जी का आंसर सही आ गया है और बताइएगा क्या बार तो ईरान में है चलिएगा 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 सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट है कबीर सिंह जी का सही है अंकुश ऑफिसियल जी का भी सही आंसर आ गया चलिएगा और बताइएगा चलिएगा जयप्रभा का भी सही आंसर है चलिएगा तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ जाता है ग्वादर पोर्ट बंदरगाह ध्यान रखें ग्वादर पोर्ट बंदरगाह पोर्ट बंदरगाह क्वेश्चन तो यही पूछा गया था पिछली बार रेलवे क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्ट बंदरगाह कहा है तो ध्यान रखेगा पाकिस्तान में है इसके साथ समझौता जो किया है वो किसने किया तो चीन किया है एक और समझौता किया है भारत के पड़ोसी देश से हमन टोटा बंदरगा हम टोटा बंदरगा ये श्रीलंका में है तो ये में। भी जो किया है समझौता किया ये भी चीन ही समझौता कर लिया तो ध्यान रखिएगा हमन टोटा बंदरगाह के लिए श्रीलंका के साथ जो समझौता किया है वो किसने किया तो चीन ही किया है हमन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है तो श्रीलंका में स्थित है ये तीनों बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा तीनों को क्वेश्चन किया

चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है पूनम जी का सही आंसर आ गया अंकुश ऑफिशियल जी का सही है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं मंटू जी का भी सही है धीरेन्द्र जी का सही है पिंटू जी का भी सही है पुष्पधारनी जी का भी सही है चलिएगा ज्योति जी का सही है बीना भारती जी का सही है विकास शर्मा जी का सही है चलिएगा पूनम जी का सही है पिंटू जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन इसके जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी जापान इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में जापान ने क्या किया तो मास्क की होम डिलीवरी प्रदान किया तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ाया गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में भारत के बताइएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है बताइएगा चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा जितने भी स्टूडेंट हैं जया प्रभा का भी सही है चलिएगा और बताइएगा मंटू जी का भी सही है पूनम जी का सही है अश्विनी जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है एम डी एफ रोज जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है अभिषेक जी का सही है बीना भारती जी का सही है उदय सिंह जी का सही है रूपक जी का सही है शक्ति किंजर जी का भी सीए है प्रभा जी का भी सही है चलिए तो सभी का आंसर सही आ रहा है तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन इसका क्या जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा दामनी नामक जो हेल्प हेल्पलाइन लॉन्च किया गया तो ध्यान रखिएगा किस लिए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश से बहुत सारा जानकारी है जैसे जियो कम्युनिटी किचन जो प्रारंभ किया गया कहां में तो उत्तर प्रदेश में ही हार्वर रोड जो विकसित किया गया आठ सौ किलोमीटर

तेरह नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर आ गया है और बताइए कबीर सिंह जी का सही है पूनम जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है मंटू जी का सही है प्रभा का सही है पिंटू जी का सही है एमडी डी अफरोज आलम जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है परमानंद जी का सही है बिना भारती जी का सही है सभी लोग का सही आंसर आ रहा चलेगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट चलेगा तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दिएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा उसको कर दिया गया क्या कर दिया गया तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसको कर दिया गया है इसका नाम बदल करके तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके कश्मीर को पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बताइएगा कि किस रंग का नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया है बताइएगा हाल ही में बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा या प्रभा का भी सही है निधि जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है मंटू जी का सही है नंद किशोर जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए प्रभा जी का सही है चलिएगा पूनम जी का सही है एम डी एफ फरोज आलम जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है शक्ति किंजर जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है बिना भारती जी का सही चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में हरा किया गया ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक जितने भी जो वाहन है उसका जो नंबर प्लेट होगा वो किस रंग का होगा तो हरा होगा अभी आप लोग देखेंगे कि ये सेवा स्कूटी में इधर भी देखने के लिए मिला जो भी इलेक्ट्रिक वाहन वाला जो स्कूटी है अब गाड़ी में भी जितने भी जो नए न्यू न्यू जो गाड़ी आ रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा उसमें किस रंग का है तो हरा रंग का गाड़ी है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सीख पर आ गया ध्यान दिएगा कि हाल ही में कटहल को बताइएगा कि किस राज का आधिकारिक फल घोषित किया गया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए आधिकारिक फल बताइएगा घोषित किया गया है सभी का आंसर आना चाहिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा मंटू जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा बीना भारती जी का सही है चलिएगा सभी लोग आंसर बताइएगा कबीर सिंह जी का भी सही है चलिएगा सी बी आर रेड्डी जी का सही है निधि जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का सही है पूनम जी का सही तो है प्रभा जी का सही है अमित कुमार जी का सही है पुष्पधारनी जी का भी सही है अमरेश मसूदन जी का भी सही है चलिएगा दीपक जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर है ध्यान दीजिएगा यानी केरल में हाल ही में यानी कटहल को किस राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया गया तो ध्यान रखिएगा केरल में इसको अनिवार्य कर दिया गया ध्यान रखिएगा यानी केरल का फल घोषित किया गया है तो जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा अब हम लोग होमवर्क जो कल आपको दिया गया था ऐसे होमवर्क आप अगर नहीं नोट कर पाते हैं क्लास अगर किसी कारण में आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं अगर उतना अगर वीडियो नहीं लास्ट तक देखना चाहते हैं तो जाइएगा कॉम्युनिटी मिलता है जैसे चैनल सर्च कीजिएगा ट्रिक

यानी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में आंसर देना है चलिएगाश्विनी जी का सही आंसर आ गया हिती जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है निधि जी का सही है पूनम जी का सही है अभिषेक जी का सही है शक्ति किंजर जी का सही है पुष्धधारण जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है सोनी जी का सही है परमानंद जी का सही है बीना भारती जी का सही है उदय सिंह जी का सही है कुंदन जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है तो ध्यान रखेगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा ब्रह्मपुत्र की बताइएगा कि उद्गम स्थल बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट ब्रह्मपुत्र की बताइएगा कि उद्गम स्थल सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट जितने भी स्टूडेंटें जुड़े हुए हैं चैनल के साथ सभी लोग लाइव में बता दीजिएगा चलिएगा ब्रह्मपुत्र की बताइएगा चलिएगा मनीष राज जी गुड मॉर्निंग चलिएगा ब्रह्मपुत्र का बताइएगा उद्गम स्थल सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा रिताइनली जी का सही आंसर आ गया है मनीष राज जी का भी सही है चलेगा विश्वनाथ बादशाह जी का सही है मंटू जी का सही है निधि जी का सही है विकास जी का सही है प्रभा का सही है सोनी जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलेगा बिल्कुल उदय सिंह जी का भी सही है कबीर सिंह जी का भी सही चलिए तो आंसर कितना मानसरोवर इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा मान सरोवर से निकलती है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है कहां से निकलती है तो मान सरोवर से निकलती है चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों का अध्ययन बताइएगा क्या कहलाता है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है सभी लोग बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही है मनीष राज जी का सही रीतांजल जी का सही है निधि जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है बिना भारती जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है अश्विनी जी का सही है बीमल जी का सही है विकास शर्मा जी, जी का सही है सोनी जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है चलेगा बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है ध्यान रखेगा पेट्रोलॉजी होता है पेट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है चट्टानों का अध्ययन किया जाता है ध्यान रखेगा लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो झीलों का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पोलियोटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है इसी प्रकार बहुत सारा अध्ययन है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके को आ गया ध्यान दिएगा कि बांगड़ बताइएगा कि किसे कहा जाता है चलिएगा बांग बताइएगा किसे कहा जाता है सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा चलिएगा मनीष राज जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है बिना भारती जी का सही है रीताजलि जी का सही है पिंटू जी का भी सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जयाप्रभा का सही है सोनी जी का सही है अफरोज आलम जी का सही है जयाप्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है मंटू जी का सही है चलिए तो धीरेन्द्र जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ हम लोग

बताइएगा कि कहाँ स्थित है बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा आदम का पुल बताइएगा कहाँ स्थित है सभी लोग बताइएगा चलिएगा एस के शर्मा जी का सही है मनीष राज जी का सही है सोनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा जयप्रभा का सही है पिंटू जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है कुंदन जी का सही है मंटू जी का सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का सही है सोनी जी का सही है नंद किशोर जी का सही है पूनम जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में भारत श्रीलंका भी आप लगाइएगा कोई भी गलत नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा आदम का पुल कहाँ में स्थित है तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि देव प्रयाग में बताइएगा कि कौन कौन सी नदी मिलती है बताइएगा देव प्रयाग में बताइएगा चलिएगा मनीष राज जी का सही आंसर आ गया प्रभा का सही है और बताइएगा अश्विनी जी का सही है श्री जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है पिंटू जी का सही है कोमल जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा आंसर चलिएगा किशोर जी का सही है सोनी जी का सही है चलिएगा पूनम जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है बीना भारती जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है अमित जी का सही है अभिषेक जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बैठे हुए नहीं रहिएगा सभी लोग आंसर दीजिएगा चलिए तो भागीरथी और अलकनंदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी यहाँ पे मिली है देवप्रयाग में इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा यहीं से गंगा नदी का निर्माण हुआ है तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है ध्यान रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा जो प्रयागराज है वहां पे तीन नदी मिलती है गंगा जमुना सरस्वती तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अब एक क्वेश्चन आप लोग से जा रहा है बताइएगा बताइएगा कि गंगा जब सरस्वती प्रयागराज में मिलती है तो बताइएगा कि यहाँ पे सरस्वती नदी को बताइएगा कि जो विलुप्त हुई है उसको खोज के लिए बताइएगा कि कौन सी कमेटी का गठन किया गया है बता दीजिएगा सभी लोग बताए थे जब समिति वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें बताए थे तो बताइएगा कि जो सरस्वती नदी है कहा दी दी है, जाता है कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है तो बताइएगा कि इसको मतलब खोज के लिए बताइएगा कि कौन सी समिति का गठन किया गया है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा चलिएगा सभी लोग बताइएगा जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा चलिएगा कौन सी समिति है जो सरस्वती नदी के अस्तित्व का जांच कर रहा है चलिएगा तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं आंसर मैं ही बता देता हूं आप लोगों को अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा के केस वाल दिया कमेटी बताए थे केस वाल दिया कमेटी है ध्यान रखिएगा चलिएगा केस वाल दिया कमेटी है जो किस यानी सरस्वती नदी को विलुप्ति के जो कगार है उसको पता लगा रहा है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है क्या है? तो केस वाल कमेटी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा केस वाल दिया कमिटी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा एक कमेटी तो का है अगला क्वेश्चन की मैंगलोर से बताइएगा कि कन्याकुमारी क्षेत्र को बताइएगा कि क्या कहा जाता है बताइएगा इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपके आ गया है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट इक्कीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा अश्विनी जी का सही है चलिएगा रीतांजलि जी का सही है चलिएगा और बताइएगा अभिषेक जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है जयप्रभा का सही है पिंटू जी का सही है बिना भारती जी का सही है बीमल जी का सही है चलिएगा मंटू जी का सही है अमित जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है प्रभा जी का सही है कुंदन जी का सही है विकास शर्मा जी का सही है अफरोज आलम जी का भी सही है सुधीर जी का सही है चलिएगा तो माला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा माला बार तट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा माला वार तट चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत का रूर बताइएगा किसे की, की, कहा जाता है बताइएगा भारत का रूर बताइएगा किसे कहा जाता है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट सभी लोग बताइएगा चलिएगा चलिएगा रितंजली जी का सही आंसर आ गया है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है चलिएगा मंटू जी का सही है बीमल जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा अमित जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है चलिएगा बिना भारती जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है विकास शर्मा जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या जाएगा छोटा छोटा नागपुर नागपुर का पठार पठार ध्यान रखिएगा के को कहा जाता है भारत का रूर कहा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा एक क्वेश्चन आप लोग से बताइएगा एक क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन में जा रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा उसके बाद आप लोग दीजिएगा चलिएगा ये तो है यानी मैंगलोर से कन्याकुमारी

निधि जी का सही है चलिएगा मंटू जी का भी सही है अभिषेक जी का सही है कबीर सिंह जी का भी सही है चलिएगा जयप्रभा का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं बिल्कुल सभी इसका आंसर सही है ध्यान रखिएगा यानी जो कोकन तट है वो कहा से कहा को जोड़ता है ध्यान रखिएगा यानी गुजरात से गोवा के जो तटीय भाग होता है उसको कोकन तट के नाम से उसको जाना जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेईस नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत की गंगा के नाम से बताइएगा कि किसको जानते हैं तेईस नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया है बताइएगा तेईस नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पर आ गया है दक्षिण भारत की गंगा बताइएगा चलिएगा रीतांजली जी का सही आंसर आ गया है अश्विनी जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीष राज जी का सही है सोनू जी का सही है बीमल जी का सही है उदय सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है नवीन जी का सही है चलिएगा और बताइएगा निधि जी का सही है चलिएगा अफरोज आलम जी का सही है सभी का का आंसर मैं देख रहा हूं, जी दक्षिण भारत की गंगा अगर कहा जाएगा तो कावेरी होगा दक्षिण गंगा के नाम से अगर पूछा जाएगा दक्षिण गंगा के नाम से तब गोदावरी होगा ध्यान रखेगा दक्षिण भारत की गंगा अगर कहेगा तो कावेरी हो जाएगा सिर्फ अगर दक्षिण गंगा के नाम से या दक्षिण भारत दक्षिण भारत के गंगा नहीं बल्कि दक्षिण गंगा के नाम से अगर कहा जाएगा तब गोदावरी होगा दक्षिण भारत की गंगा अगर लगा देगा तब कावेरी होगा ये आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की जीवन रेखा बताइएगा कि किस नदी को कहते हैं बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा चलिएगा नवीन जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा अश्विनी जी का सही है रीताजलि जी का सही है धर्मेंद्र जी का सही है पिंटू जी का सही है अभिषेक जी का सही है निधि जी का सही है और बताइएगा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सोनी जी का सही है धर्मेंद्र धीरेन्द्र जी का सही है जया प्रभा का सही है उदय सिंह जी का सही है चलिएगा कुंदन जी का सही है नंद किशोर जी का सही है मनीष कुमार आजी का सही है विश्वनाथ जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा पुष्पधारण जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा यानी गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी को कहते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह को पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बताइएगा कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं सभी लोग बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र को बताइएगा तिब्बत में चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा अश्विनी जी का स...

भारत में जब प्रवेश करती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देहांग के नाम से इसको जाना जाता है वहाँ पे तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी कहाँ में गिराती है तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि झीलों का अध्ययन बताइएगा क्या कहलाता है सभी लोग बता दीजिएगा झीलों का अध्ययन विश्वनाथ जी का सही आंसर आ गया है अश्विनी जी का सही है पूनम जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रिजाइनली जी का सही है जयप्रभा का सही है निधि जी का सही है मंटू जी का सही है अभिषेक जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है प्रभा जी का सही है विकास जी का सही है उदय सिंह जी का सही है नंद किशोर जी का सही है ध्यान लिम्नोलॉजी इसको कहा जाता है ध्यान रखेगा लिम्नोलॉजी इसको कहा जाता है तो ये भी आप लोग ध्यान लिम्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में बताइएगा कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा बांग्लादेश में बताइएगा गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है मनीषराय जी का सही है सोनू जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अमित जी का सही है रीताजल जी का सही है बिमल जी का सही है कुंदन जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है अभिषेक जी का सही है मंटू जी का सही है जयप्रभा का सही है पूनम जी का सही है सभी लोग बताइएगा अमित जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है

कबीर सिंह जी का सही है रीतांजलि जी का सही है उदय सिंह जी का सही है मंटू जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है विकास शर्मा जी का सही है पिंटू जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है पूनम जी का सही है प्रभात जी का सही है जयप्रभा का सही है सोनी जी का सही है तो ध्यान रखेगा टेथिस सागर से हुआ ध्यान रखेगा टेथिस नामक उथला समुद्र के कारण हुआ या कि यानी प्लेट टेक्ट्रॉनिक प्लेट के टकराने से हुआ है चलिएगा बिल्कुल प्लेट के टकराने से हुआ तो यह भी आप लोग ध्यान रखेगा चलिएगा हिमालय का ऐसा पर्वत है तो पारावली में सॉरी हिमालय कैसा पर्वत है तो बलित पर्वत है यह भी लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का बताइएगा कि जो सबसे छोटा द्वीप है बताइएगा कि वो कौन सा है बताइएगा बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा लक्षद्वीप का बताइएगा सबसे छोटा बताइएगा कि द्वीप कौन सा है चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा चलिएगा रीतांजलि जी का सही है पिंटू जी का सही है पुष्पाधारण जी का सही है चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है प्रभा जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा एस के शर्मा जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है नंदकिशोर जी का भी सही है पिंटू जी का भी सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं चलिएगा इसका बिट्रा होगा ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटा जो दीप दीप है वो कौन सा तो है तो ध्यान रखिएगा बिट्रा है और सबसे अगर बड़ा की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ऑन है ध्यान रखिएगा ऑन है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि नौ डिग्री चैनल बताइएगा कि, कि किसके किसके बीच में स्थित है सभी लोग बता दीजिएगा नौ डिग्री चैनल चलिएगा बताइएगा नौ डिग्री चैनल बता दीजिएगा सभी लोग उठाफट चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है रीता जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का भी सही है चलिएगा मनीष राज जी का सही है पूनम जी का सही है पिंटू जी का सही है जया प्रभा का सही है चलिएगा सोनू जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा नौ डिग्री चैनल सभी लोग बता दीजिएगा विश्वनाथ बादशाह जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अमित जी का सही है नंद किशोर जी का सही है चलिए तो आंसर तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा लक्ष्य दीप और मिनी का ध्यान रखिएगा लक्ष्य दीप और मिनी का लक्षदीप और मिनी का ध्यान रखेगा इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था कि आठ डिग्री नौ डिग्री या दस डिग्री तीनों के लिए बताते क्या बताते थे कि मामी लक्ष्मी आनी ध्यान रखेगा मा, मामी लक्ष्मी आनी तो ध्यान रखेगा आनी दस डिग्री चैनल का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो आनी से क्या हुआ अंडमान और निकोबार ध्यान रखेगा आनी से क्या हुआ अंडमान निकोबार आठ डिग्री में क्या बताया कि मामी तो मामी से क्या हुआ मालदीव और मिनी का है तो आठ डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है मालदीव और मिनी का नौ डिग्री में बताया कि लक्ष्मी तो लक्ष्य और मिनी का है उसके बाद ध्यान रखिएगा दस डिग्री है तो अंडमान और निकोबार तो ये भी आप लोग तीनों को एक साथ याद करते हुए चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य बताइएगा कि किस सागर में स्थित है बताइएगा सभी लोग लक्ष्य बताइएगा किस सागर में स्थित है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा लक्ष्य दीप बताइएगा चलिएगा मनीष राज जी का सही आंसर है अश्विनी जी, 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 जी का सही है रितानली जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है पिंटू जी का सही है मनीष कुमार राज जी का सही है जयप्रभा का सही है मंटू जी का सही है अमित जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा सोनी जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है कुंदन जी का सही है बिकी जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा अमित जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान रखिएगा अरब सागर इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा अरब सागर इसका करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है तो ध्यान रखिएगा अरब सागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अरब सागर चलिएगा एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा कि कभी कभी आप लोग नाम आंसर दे देते हैं लेकिन मैं नाम आपका तेजी से पार हो जाता है तो कभी कभी बाय मिस्टेक छूट जाता है तो आप लोग अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा ऐसा नहीं कि मैं जान बुझ करके नाम नहीं लेता हूँ ध्यान रखिएगा एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आप लोग आंसर देने से मतलब रखिए मैं नाम देखूंगा तो आपका नाम बिल्कुल लूंगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अदरवाइज आप लोग नहीं लीजिएगा ऐसा मत सोचिएगा कि सर मेरा जान बुझ करके नाम नहीं ले रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है ध्यान रखिएगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर आप लोग देते रहिए मैं आपका नाम बिल्कुल लेते क्वेश्चन की तरफ बढ़िए रवि फसल बताइएगा कि कब बोया जाता है सभी लोग बता दीजिएगा रवि फसल कब बोया जाता है सभी लोग बता दीजिएगा कबीर सिंह जी का सही है जयप्रभा का सही है मनीष राज जी का सही है पिंटू जी का सही है सोनी जी का सही है मुकेश जी का सही है रीताजल जी का सही है अश्विनी जी का सही है बीके जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है मनीष राज जी का सही है बीमल जी का सही है अमित जी का सही है जयाप्रभा का कुंदन लाल जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा तो बत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा रबी फसल का बोया जाता है तो अक्टूबर नवंबर में चलिएगा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं ते तेतीस नंबर क्वेश्चन आपके को पढ़ा गया ध्यान दीजिएगा कि मक्का बताइएगा कि, कि किस फसल के अंतर्गत आता है सभी लोग बता दीजिएगा मक्का बताइएगा कि किस फसल के अंतर्गत आता है सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा पुष्पधारनी जी का सही है जयाप्रभा का सही है रितानजी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अमित जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा पूनम जी का सही है और बताइएगा मनीष जी का सही है बीमल जी का सही है बिक्की जी का सही है विकास जी का सही है अभिषेक जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है प्रभात जी का भी सही तो है चलिए अमित जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्का किस फसल के अंतर्गत आता है तो ध्यान रखेगा मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान भी आता है धान हो गया गन्ना हो गया ज्वार हो गया बाजरा हो गया मक्का हो गया ये सब जो आता है वो किस फसल के अंतर्गत आता है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि सोमपेंस बताइएगा कि कहाँ की जनजाति है सोमपेंस चलिएगा बंदना जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सोमपेन्स बताइएगा मनीष राज जी का सही आंसर आ गया है निधि जी का सही है रीताली जी का सही है विश्वनाथ बादशाह जी का सही है विमल जी का सही है रूपक जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है बिक्की जी का सही है जयप्रभा का सही है कुंदन जी का सही है अमित जी का सही है पिंटू जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है पुष्पधारी जी का सही है मनीष कुमार राज जी का सही है किशोर जी का सही है एक बार आंसर देने के बाद नाम बुलाया जाता है आप लोग नाम नहीं लिया कीजिएगा फिर से क्योंकि दिक्कत होता है रूपक जी का भी सही है बिना भारती जी का सही है सीवीआर रेडी जी का सही है सोनी जी का सही है चलेगा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ध्यान रखिएगा निकोबार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा सोमपेंस कहाँ की जनजाति है तो निकोबार की जनजाति है भी आप लोग ध्यान रखिएगा सोमपेंस कहाँ की है तो निकोबार का है ऑंग एक होता है तो औंग जो होगा वो कहाँ

चलिएगा प्रभा का सही है और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीष राजी का सही है चलिएगा नंद किशोर जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है उदय अं। सिंह जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है बीके जी का सही है विकास जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान रखिएगा अंडमान में ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार

चलिएगा सभी लोग बताइएगा खरीफ फसल को बताइएगा कि कब काटा जाता है बताइएगा खरीफ फसल को बताइएगा कि किस माह में काटा जाता है चलिएगा पुषध जी का सही है बिमल जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा अमित जी का भी सही है चलिएगा विकास जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा नवंबर दिसंबर इसका याद रखिएगा नवंबर दिसंबर में क्या होता है तो खरीफ फसल काटा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा खरीफ फसल बोया कब जाता है तो ध्यान रखिएगा जून जुलाई में बोया जाता है नवंबर दिसंबर में क्या होता है तो काटा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं रबी फसल को आप लोग को पता है कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है मार्च अप्रैल में काटा जाता है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका आपके पर आ गया ध्यान दिएगा कि माउंट एवरेस्ट को बताइएगा कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं बताइएगा चलिएगा रीतांजली जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है, है। मनीष राज जी का भी सही है निधि जी का सही है अभिषेक जी का भी सही है चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं मंटू जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है प्रभा जी का सही है उदय सिंह जी का सही है चलिएगा दीपक जी का सही है पूनम जी का सही है मनीष कुमार राजी का सही है पुष्कधारनी जी का सही है पिंटू जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है नंद किशोर जी का भी चलिए तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान रखिएगा यानी चोमोलंगमा के नाम से इसको जानते हैं ध्यान रखिएगा चोम के नाम से इसको जाना जाता है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से चोमोलंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में किस नाम से तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि किबला बताइएगा कि किसे कहते हैं बता दीजिएगा सब लोग दस से पंद्रह सेकंड का समय आपको दिया जाता है बताइएगा दस से पंद्रह सेकंड में बता दीजिएगा सब लोग बताइएगा चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का भी सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जयप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए कि बताइएगा किसको कहा जाता है चलिएगा चलिएगा पिंटू जी का भी सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का सही है पुष्पधारणी जी का भी सही है चलिएगा अमित जी का भी सही है सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा आंसर प्रभात जी का भी सही है बीना भारती जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है विकास जी का भी सही है बीके जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा किबला किसको कहा जाता है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा यानी मक्का की ओर दिशा को ध्यान रखिएगा यानी जिस ओर नमाज जो पढ़ा जाता है नमाज पढ़ने का जो दिशा होता है उसी को क्या कहा जाता है उसको किबला कहते हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा जैसे भारत के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं तो पश्चिम की ओर मुंह करके क्या करते हैं तो नमाज अदा करते हैं क्यों क्योंकि भारत से जो मक्का है वो किस दिशा में है तो पश्चिम दिशा में है इसी वजह से क्या करते हैं तो नमाज पढ़ते हैं पश्चिम दिशा में इसको क्या कहा जाता है

विश्वनाथ जी का सही है सी बी रेड्डी जी का सही है अमित कुमार जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा जयप्रवाह का सही है तो ध्यान रखिएगा हीरा नामक गुफा में हुआ था ध्यान रखिएगा यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ध्यान हीरा नामक गुफा में हुआ था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके पर आ गया ध्यान दिएगा सब प्रथम बताइएगा कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र बताइएगा किसने लिखा था बताइएगा सभी लोग बताइएगा नाम बताना है चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है बिना भारती जी का सही है चलिएगा बंदना जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे चल है अभिषेक जी का सही है मंटू जी का सही, सही है अमीर जी का सही है चलिएगा प्रभात जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही है धीरेन्द्र जी का सही है अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का सही है पूनम जी का सही है सोनी जी का सही है ध्यान रखेगा ईब ने ने लिखा था ध्यान रखेगा Ne, का जो जीवन चरित्र जो लिखा था, था तो पैगंबर मोहम्मद का जीवन चरित्र तो लिखा गया था तो आप याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके आ गया पैगंबर मोहम्मद साहब का बताइएगा कि उत्तराधिकारी क्या मोहम्मद साहब का बताइएगा जीवन उत्तराधिकारी बताइएगा क्या कहलाए अमित जी का सही आंसर आ गया चलिएगा निधि जी का सही है मंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है रीताजली जी का सही है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा पूनम जी का सही है मनीष राज जी का सही है प्रभा जी का सही है अभिषेक जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा एक बार आंसर देने के बाद आप लोग प्लीज़ दूसरा बार आंसर नहीं दीजिए चलिएगा दूसरा बार आंसर देने से कन्फ्यूजन हो जाता है नाम में चलिएगा पिंटू जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है खलीफा उसको कहा जाता था बिल्कुल खलीफा उसको कहा जाता था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था तो ध्यान रखिएगा खलीफा उसको कहा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम आ भी जा रहा है वो भी दोबारा नाम लिख रहे हैं प्लीज़ आप लोग नाम नहीं लिखिएगा दोबारा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब की बताइएगा कि पत्नी का क्या नाम था बताइएगा सभी लोग पैगम्बर मोहम्मद साहब का बताइएगा पत्नी का नाम क्या था चलिएगा बिल्कुल बिना भारती जी का सही आंसर आ गया है वंदना जी का सही है अश्विनी जी का सही है अमित जी का सही है चलिएगा और बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है मनीष राज जी का सही है पूनम जी का सही है मंटू जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा प्रभात जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है चलिएगा सी रेड्डी जी का सही है पिंटू जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है चलिएगा खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था बिल्कुल करेक्ट आंसर है खदीजा खदीजा बहुत सारे फातिमा भी सोच रहे होंगे तो फातिमा वो क्या थी तो बेटी थी ध्यान रखिएगा जो फातिमा थी वो पुत्री थी चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम जगत में बताइएगा कि खलीफा पर बताइएगा कि यानी खलीफा जो रहा बताइएगा कि कब तक रहा बताइएगा चलिएगा बिना भारती जी का सही आंसर आ गया कवि सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है निधि जी का सही है अमित जी का सही है प्रभात जी का सही है मंटू जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है रिदानी जी का सही है मनीष कुमार राज जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है एस के शर्मा जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है विक्की जी का सही है जया प्रभा का सही है रूपक जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बताइए ध्यान रखिएगा 1924 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा यानी 1924 खलीफा जो पद रहा वो कब तक रहा तो ध्यान रखिएगा 1924 तक रहा और इसको जो समाप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था बताइएगा समाप्त करने वाला जो व्यक्ति था बताइएगा कि किसने इसको समाप्त किया था खलीफा पद को बताइएगा कि किसने समाप्त किया था सभी लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा बताइएगा सभी लोग सभी लोग बता दीजिएगा खलीफा पद को बताइएगा कि समाप्त किसने किया था चलिएगा बताइएगा सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा रीतांजलि जी का सही आंसर आ गया है चलिएगा मंटू जी का भी सही है चलिएगा कबीर सिंह जी, जी का भी सही है सभी लोग बताइएगा अमित जी का भी सही है धीरेन्द्र जी का सही है बीना भारती जी का सही है प्रभा जी का सही है सोनी जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बताते हैं ध्यान रखेगा मुस्तफा कमाल पासा जी को आता तुर यानी तुर्की का पिता के भी नाम से जाना जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा मुस्तफा कमाल पासा ने जो समाप्त किया था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा खलीफा पद को चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हिजरी संबद की शुरुआत बताइएगा कि किस वर्ष हुआ था बताइएगा हिजरी संबंध का बताइएगा चलिएगा मनीष राजी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है या प्रभा का सही है निधि जी का सही है सीवीआर जी का सही है जी का सही है बिना भारती जी का सही है बीमा जी का सही है रूपक जी का सही है कुंदन जी का सही है सोनी जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अमित जी का सही है मनीष राज जी का सही है सी बी आर रेड्डी जी का सही है बीके जी का सही है पुष्टधारण जी का भी सही है विश्वनाथ जी का भी सही है चलिए तो एंसर कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यानी छह सौ बाईस इसमें यानी चौबीस सितंबर छह सौ बाईस को ध्यान रखिएगा चौबीस सितंबर छह सौ बाईस को क्या हुआ था तो हिजरी संबंध को प्रारंभ हुआ था हिजरी संबंध किस धर्म का तो ध्यान रखेगा इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है तो उसको हिजरी संबंध उसको कहा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि भारत पर बताइएगा कि इस्लामों का आक्रमण बताइएगा कि किसके जरिए हुआ था बताइएगा भारत में बताइएगा कि इस्लामों का जो आगमन हुआ था बताइएगा कि वो किसके जरिए हुआ था पैंतालीस नंबर क्वेश्चन चलिएगा रिकांगी जी का सही आंसर है अश्विनी जी का भी सही है निधि जी का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है प्रभा जी का सही है मंटू जी का सही है अंकुश ऑफिसियल जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है सोनी जी का सही है पुष्पधारणी जी का भी सही है या प्रभा का सही है उदय जी का सही है नंद किशोर जी का सही है कुंदन जी का सही है रविरंजन जी का सही है सी वी आर जी का सही है चलेगा तो अरबों तो के द्वारा तो ध्यान रखिएगा अरबों तो के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा जो सात सौ में अरबों ने सिंध को जीत लिया था उसके बाद क्या हुआ तो इस्लाम धर्म क्या हुआ तो आगे हुआ ध्यान रखिएगा हिजरी संबंध की शुरुआत जो हुआ था ये इस्लाम का है आप सभी को पता है अगर भारत का अगर यानी हिंदू धर्म का अगर पूछा जाएगा तो सब कैलेंडर आप सभी को पता है लेकिन फिर से रिविजन यहाँ पे क्वेश्चन आया तो ध्यान दीजिए

चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है मनीष राज जी का सही है सीबीआर बी रेड्डी जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा धीरेन्द्र जी का सही है विकास जी का सही है सी बार जी का सही है चलिए तो एंसर कैसा बताते हैं ध्यान रखिएगा छः सौ बत्तीस ईस्वी में ध्यान रखिएगा यानी छह सौ बत्तीस ईस्वी में क्या हुआ था तो इनका मृत्यु हो गया था यानी आठ जून छः सौ बत्तीस ईस्वी को हुआ था ध्यान रखिएगा इनको दफनाया गया था कहाँ में तो आप लोग बता दीजिएगा इनको कहाँ में दफनाया गया था सभी लोग बता दीजिएगा पैगम्बर मोहम्मद साहब को बताइएगा कि कहाँ में दफनाया गया था सभी लोग बता दीजिएगा कहाँ में दफनाया गया था छः ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था चलिएगा कोमल

चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका सिंह पर आ गया ध्यान दीजिएगा बरकरी संप्रदाय का बताइएगा कि संस्थापक कौन थे बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का भी सही है रीतांजलि जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का सही है विश्वनाथ जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा सोनी जी का सही है चलिएगा एस के शर्मा जी का सही है मंटू जी का सही है प्रभा जी का सही है अमित जी का सही है उदय सिंह जी का सही है मनीष कुमार जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा का सी तो रेड्डी जी का भी सी तो ध्यान रखेगा नाम देव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पुष्पधारणी जी का भी सीधे ध्यान रखेगा यानी नाम देव बरकर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो ध्यान रखेगा नाम देव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा उसके बाद परमार्थ का अगर चर्चा अगर किया जाएगा परमार्थ संप्रदाय का तो ध्यान रखेगा रामदास इसका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद राम भक्त एक संप्रदाय था उसका रामानंद इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा और श्री वैष्णव संप्रदाय के अगर संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेगा रामानुज लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बरकारी संप्रदाय क्वेश्चन पूछा भी गया तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा बरकारी संप्रदाय चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंकोर में बताइएगा कि किस देवता की पूजा किया जाता है बताइएगा बताइएगा मंदिर में किस देवता की पूजा किया जाता है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है अमित जी का सही है रीतानी जी का सही है बीना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है बीमल जी का सही है या प्रभा का सही है मनीष राज जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है नंद किशोर जी का सही है पिंटू जी का सही है कोमल जी का सही है रूपक जी का सही है पुषधानी जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं वी आर जी का विषय रखिएगा विष्णु इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा यानी भगवान विष्णु का अंकोरवाट जो मंदिर है वहां पे किनका पूजा किया जाता है तो ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है ध्यान रखिएगा इसको बनवाया गया था किसके द्वारा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा किसने बनवाया था अंकोरवाट मंदिर को बताइएगा बता किसने बनवाया था सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट में किसने बनवाया था सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट किसने बनवाया था अंकोरवाट मंदिर को बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा बीके जी का सही आंसर आ गया है रितानी जी का भी सही है चलिएगा पिंटू जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा और बताइएगा जितेंद्र जी का सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का भी सही है मंटू जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है मनीष राज जी का सही है निधि जी का सही है नंद किशोर जी का सही है सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बताए ध्यान रखिएगा अंकोर मंदिर है वो कहाँ में स्थित है तो कंबोडिया में स्थित है इसका जो बनवाया था वो किस नंबर में आया था ध्यान रखिएगा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये कहाँ में तो ध्यान रखेगा कंबोडिया में है भगवान विष्णु का यहाँ पे पूजा किया जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टा द्वैत के बताइएगा कि आचार्य कौन थे बताइएगा विशिष्टा द्वैत के बताइएगा आचार्य कौन थे चलिएगा बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही है निधि जी का सही है जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बिना भारती जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा जया प्रभा का सही है अश्विनी जी का भी सही है चलिएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए बताइएगा विशिष्टा द्वैत के बताइएगा मनीष राजी का सही है नंद किशोर जी का भी सही है अभिषेक जी का सही है मनीष कुमार राजी का सही है सी आर जी का सही है विश्वनाथ जी का भी सही है विकास शर्मा जी का सही है चलेगा तो आंसर कितना ध्यान रखिएगा रामानुज इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा रामानुज यानी विशिष्टा द्वैत के यानी आचार कौन थे तो ध्यान रखिएगा रामानुज इसका करेक्ट आंसर होगा सुधा द्वैत का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो सुधा द्वैत के कौन थे तो चार थे इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा द्वैता द्वैत की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि आचार्य कौन थे तो ध्यान रखिएगा निम्बकाचार्य इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान देगा कि वैष्णव धर्म का बताइएगा कि जो प्रवर्तक थे बताइएगा कि कौन थे पचास नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर चलिएगा और बताइएगा निधि जी का सही है चलिएगा मनीष कुमार राज जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है प्रभात जी का सही है चलिएगा अमित जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है बिकी जी का सही है जयप्रभा का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है सोनी जी का सही है पूनम जी का सही है अश्विनी जी का सही है नंद किशोर जी का भी सही है चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सी वी आर रेड्डी जी का सही है एस के शर्मा जी का भी सही है चलिए तो एंसर कितने बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्ता किन को माना जाता है तो ध्यान रखिएगा कृष्ण को माना जाता है वैष्णव धर्म के प्रवर्ता किन को माना जाता है तो ध्यान रखिएगा कृष्ण को माना जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु का बताइएगा कि जो सबसे प्रसिद्ध जो अवतार हुआ बताइएगा कि वह कौन सा अवतार है बताइएगा चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सबसे बताइएगा प्रसिद्ध अवतार बताइएगा चलिएगा बिल्कुल या का सही है अमित जी का सही है प्रभात जी का सही है सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा पिंटू जी का सही है मनीष राज जी का सही है चलिएगा अभिषेक जी का भी सही है चलिएगा बराह अवतार इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान किया बराह अवतार जो था यानी सबसे अधिक जो फेमस हुआ विष्णु का कितना अवतार हुआ ध्यान रखिएगा दस अवतार हुआ और दस में सबसे अधिक जो फेमस हुआ वो कौन सा तो बराह अवतार हुआ जो सबसे अधिक फेमस हुआ चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बराह अवतार आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को बताइए कृष्ण कृष्ण का वर्णन अंगीरस के बताइएगा कि शिष्य के रूप में बताइएगा कि कहां वर्णित किया गया है बताइएगा अंगीरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का जो वर्णन किया गया है बताइएगा कि कहां किया गया है बताइएगा चलिएगा रिशानी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आंसर लिखने का आप लोग प्रयास किया कीजिएगा चलिएगा बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा आप लोग जैसे भी लिख दीजिए मैं समझ जाऊंगा कि याद है आपको चलिएगा निधि जी का भी सही आंसर आ गया है अश्विनी जी, जी का सही है सही लिखने के चक्कर में मत रहिएगा उतना आप लोग लिख दीजिए कि मैं समझ जाऊँ जयाप्रभा का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है विश्वनाथ जी का सही है अभिषेक जी का सही है सोनी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है पूनम जी का सही है नंद किशोर जी का सही है विकास जी का सही है अमित जी का सही है अंकुश ऑफिसियल जी का भी सही है चलिएगा तो छांदोग्य उपनिषद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा छादोग्य उपनिषद में ही इसका चर्चा मिलता है तो छादोग्य उपनिषद आप लोग याद रखिएगा इसमें देवकी के पुत्र और अंगीरस के शिष्य के रूप में दर्शाया गया था तो क्या होगा छांदोग्य उपनिषद इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके किसम पर आ गया ध्यान दिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को बताइएगा कि जन्म दिवस पे कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइएगा जन्म दिवस पे बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा तिरपन नंबर क्वेश्चन आपके असम पर आ गया है चलिएगा अश्विनी जी का सही है रीताली जी का सही है कुंदन जी का सही है निधि जी, जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा तिरपन नंबर क्वेश्चन आपके कस्म पर आ गया है चलिएगा अमित जी का भी सही है विश्वनाथ जी का सही है चलिएगा विकास जी का सही है मनीष जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही है मनीष राजी का सही है तो ध्यान रखेगा ईद ध्यान रखेगा ईद ए उल मिलात नबी क्या कहा जाता है तो ईद ए उल मिलात नबी उसको कहा जाता है ध्यान रखिएगा नबी उसको कहा जाता है यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस तिरपन नंबर के क्वेश्चन के बाद चौवन नंबर क्वेश्चन के स्क्रीन पर आ गया ध्यान दिएगा कि नाथ संप्रदाय का बताइएगा कि प्रमुख केंद्र बताइएगा भारत में बताइएगा कि कहा नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा नाथ संप्रदाय का बताइएगा प्रमुख केंद्र कहाँ पे है भारत में बताइएगा नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बताइएगा साउथ में नहीं है नॉर्थ में, में, में ही है जी साउथ में नहीं नॉर्थ में ही है चलिएगा कुंदन जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा बीके जी पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे हो गए हैं चलिएगा चलिएगा नाथ संप्रदाय का बताइएगा कि प्रमुख केंद्र चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा गोरखपुर कबीर सिंह जी का भी सही है जयप्रभा का सही है अमित जी का सही है चलेगा पिंटू जी का सही है पूनम जी का सही है बिना भारती जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है रवि रंजन जी का सही है चलेगा गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा गोरखपुर गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा नाथ संप्रदाय के संस्थापक ध्यान रखिएगा नाथ संप्रदाय के संस्थापक अगर चर्चा किया जाएगा तो मतेंद्र नाथ ध्यान रखिएगा मतेंद्र ना नाथ इसके संस्थापक थे तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा इसका जो केंद्र प्रमुख केंद्र कहा गोरखपुर में है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान देगा कि कपालिक संप्रदाय का बताइएगा कि ईष्ट देव कौन थे बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आ गया अश्विनी जी का सही है चलिएगा सीवीआ रेड्डी जी का, का भी सही है चलिएगा सीवीआई रेड्डी जी पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिएगा थोड़ा पीछे चल रहे हैं चलिएगा चलिएगा बिना भारती जी का सही है धीरेन्द्र जी का भी सही है चलिएगा प्रभा जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा जो भी पीछे पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा कबीर सिंह जी का सही है अमित जी का सही है जयप्रभा का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है तो कपालिक संप्रदाय का जो इष्ट देव थे ध्यान रखिएगा भैरव इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा भैरव इसका करेक्ट आंसर होगा कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे तो ध्यान रखिएगा भैरव इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के बताइएगा कि जो प्रथम मूर्ति मिली है बताइएगा कि वह किस कला शैली में बनी थी बताइएगा चलिएगा संगीता जी गुड मॉर्निंग चलिएगा बहुत लेट से जुड़े हैं चलिएगा बताइएगा प्रथम जो मिला था चलिएगा रीतांजलि जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा प्रथम का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा चलिएगा प्रभा का सही है चलिएगा प्रथम की बात किया जा रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही गंधार कला शैली में तो सबसे अधिक मिला था अगर क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक किस कला शैली में मिला था तो वो गंधार कला शैली में मिला था लेकिन प्रथम का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा मथुरा शैली में कल ही तो एक क्वेश्चन हुआ था प्रथम में अगर कहा जाएगा कि प्रथम किस कला शैली में मिला तो ध्यान रखिएगा मथुरा में लेकिन सबसे अधिक अगर कहा जाएगा तब ध्यान रखिएगा गंधार कला शैली में सबसे अधिक मिला है गौतम बुद्ध का मूर्ति चलिएगा बिल्कुल सभी को आंसर अब सही आने लगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बताइएगा कि प्रवेश के लिए बताइएगा कि न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आ गया है चलिएगा रीताअली जी का सही आंसर है चलिएगा अश्विनी जी का सही है बिना भारती जी का सही है जया प्रभा का सही है प्रभा जी का सही है संगीता जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है अभिषेक जी का सही है मुकेश जी का भी सही है चलिएगा सोनी जी का सही है नंद किशोर जी का सही है मुकेश जी का सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा पंद्रह वर्ष इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था वो कितना निर्धारित किया गया था तो ध्यान रखिएगा पंद्रह वर्ष चलिएगा एक क्वेश्चन आप लोग से जा रहा है रैपिड फायर के क्वेश्चन के रूप में बताइएगा कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए प्रवेश के लिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध को किसने प्रेरित किया था बताइएगा स्त्री को बताइएगा कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए बताइएगा कि किसने गौतम बुद्ध को मनाया था बताइएगा प्रवेश के लिए बुद्ध को बताइएगा कि किसने मनाया था बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा आप लोग चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा रितानी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा किसने मनाया था चलिएगा निधि जी का सही है कविर सिंह जी का सही है पूनम जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है बीना भारती जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए विकास शर्मा जी का सही है अमित जी का सही है उदय जी का सही है संगीता जी का सही है तो आंसर कितना रखिएगा आनंद यानी गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो कौन था तो ध्यान रखिएगा आनंद उनका प्रिय शिष्य था आज आनंद को कहने पर ही महिलाओं को गौतम बुद्ध यानी महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति प्रदान किया गया था इसके लिए आनंद ने ही कहा था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं इसे दो क्वेश्चन है कि आनंद जो था गौतम का प्रिय शिष्य भी था यह भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की बताइएगा कि जन्म मृत का जो वर्णन मिलता है अशोक किस शिला सभी लोग का आंसर आना दीजिएगा सभी लोग फटाफट किस अभिलेख से मिलता है किस अभिलेख से मिला है बताइएगा सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं परंपरा के अनुसार है चीनी लेख है ना कैंटोन अभिलेख रह बता रहे हैं तो चीनी है संगीता जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है और बताइएगा कैंटोन अभिलेख तो चीनी अभिलेख है कहां से आप लोग लगा रहे हैं चलिए संगीता जी का एक बताइएगा चीटिंग नहीं करना है अपने मन से दीजिएगा चलिएगा प्रभात जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा कबीर सिंह जी का भी सही है धीरेन्द्र जी का भी सही है ध्यान रखिएगा रूमन देई ध्यान रखिएगा रूमन देई से मिला ध्यान रखिएगा रूमन देई से मिला है रूमन देई अभिलेख से मिला है गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु का जो वर्णन मिला है वो किससे मिला है तो ध्यान रखिएगा रूममन देई जो सबसे छोटा भी था ध्यान रखिएगा सबसे छोटा यही है रूममन देई जो नेपाल से मिला है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके किसी पर आ गया ध्यान दिएगा कि युद्ध का वर्णन बताइएगा कि, कि किस नदी के तट पर हुआ था उनसठ नंबर क्वेश्चन आपके किसी पर आ गया बताइएगा दसराज युद्ध बताइएगा चलिएगा मनीष राज जी का सही आंसर है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा अभिषेक जी का सही है चलिएगा निधि जी का सही है चलिएगा सोनी जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है अमित जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा नंदकिशोर जी का भी सही है पूनम जी का सही है चलिए तो की कितना बढ़ जाते हैं हम लोग इसका जो दस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो किस नदी के तट पे हुआ था तो ध्यान रखिएगा परूसिनी नदी परूसिनी नदी अब इसको किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के नाम से अब इसको जानते हैं परूसिनी नदी और दस युद्ध हुआ था दस राजा और सुदास के बीच में हुआ था ध्यान रखिएगा दस राजा और सुदास के बीच में हुआ था दस युद्ध और किस नदी के तट पर तो परूसिनी नदी के तट पर हुआ था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत की बताइएगा कि प्रथम महिला पायलट बताइए सॉरी भारत के बताइएगा कि प्रथम भारतीय पायलट कौन बने थे बताइएगा प्रथम भारतीय पायलट बताइएगा कि कौन बने थे साठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ गया है तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा बताइएगा फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा जितेंद्र जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा प्रथम भारतीय पायलट कौन बने थे चलिएगा कुंदन जी का सही है पीना भारती जी का सही है चलिएगा रवि रंजन जी का सही है नंद किशोर जी का भी सही है ध्यान दीजिएगा चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा पिंटू जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा ये इसमें जे आर डी टाटा जहांगीर रतन जी टाटा के द्वारा इसको यानी प्रथम पायलट के रूप में बने थे ध्यान रखिएगा किस वर्ष बने थे तो ध्यान रखिएगा उन्नीस में जे आर डी टाटा आप लोग याद रखिएगा जे आर डी टाटा उन्नीस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके इसमें पर आ गया ध्यान देगा कि इटली का बताइएगा कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताइएगा इटली का बताइएगा राष्ट्रीय चिन्ह बताइएगा कि क्या है सभी लोग बता दीजिएगा इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग का आंसर आना चाहिए फटाफट बता दीजिएगा इटली का बताइएगा राष्ट्रीय चिन्ह जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा इटली का बताइएगा चलिएगा जी का सही आंसर है निधि जी का भी सही है बीना भारती जी का सही है या प्रभा का सही है पूनम जी का सही है पिंटू जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है रवि जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है पिंटू जी का सही है विकास जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है ध्यान रखेगा सफेद लीली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा सफेद लीली करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि जापान का बताइएगा कि राष्ट्रीय चिन्ह बताइएगा कि क्या है जापान का बताइएगा राष्ट्रीय चिन्ह चलिएगा विविध हम लोग शुरू कर चुके हैं तो बताइएगा जापान का बताइएगा चलिएगा रीताजली जी का सही है पिंटू जी का सही है निधि जी का सही है पूनम जी का सही है बिना भारती जी का सही है मनीष राज जी का सही है जी का सही है पुष्पधारनी जी का सही है चलिएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तैतीस स्टूडेंट सभी लोग आंसर आप लोग देने का आप लोग प्रयास किया कीजिएगा चलिएगा सोनी जी का सही है अभिषेक जी का सही है उदय सिंह जी का सही है विकास जी का सही है गलत होने से आप लोग नहीं डरिएगा आंसर दीजिएगा गलत देते देते आप लोग सही दीजिएगा चलिएगा गुलदाउदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा गुलदाउदी इसका करेक्ट आंसर होगा जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है तो ध्यान कहेगा गुलदाउदी चलिएगा कोमल जी का भी सही आंसर आ गया है संगीता जी का भी सही चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि लिप बताइएगा कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है बताइएगा चलिएगा बिना भारती जी का सही है पुष्पधारनी जी का सही है मनीष राज जी का सही है रीताजी जी का सही है कुंदन जी का सही है पिंटू जी का सही है राजेश जी का सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का भी सही है पिंटू जी का सही है सोनी जी का सही है पूनम जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए रवि रंजन जी का सही अभिषेक जी का भी तो सही है तो ध्यान रखिएगा मैपल लीप कहाँ का है तो ध्यान रखेगा कनाडा का मैपल लीप है ध्यान रखेगा यानी राष्ट्रीय चीन कनाडा का क्या है तो ध्यान रखिएगा मैपल लीप है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आप किस पर आ गया ध्यान देगा कि चांद तारा बताइएगा कि किस देश का राष्ट्रीय चीन है चांद तारा बताइएगा चलिएगा पुष्पधारणी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा रिचानी जी का सही है पिंटू जी का सही है कुंदन जी का सही है निधि जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है कोमल जी का सही है जयप्रभा का सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का सही है सोनी जी का सही है चलिएगा बीना भारती जी का सी किशोर जी का सीए रवि रंजन जी का सी संगीता जी का सही है मुकेश जी का भी है तो ध्यान रखिएगा तुर्की का है ध्यान तुर्की का, का है वो क्या है तो ध्यान चांद तारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस देश का है तो ध्यान रखेगा तुर्की का है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि अशोक का स्तंभ बताइएगा कहाँ स्थित है सभी लोग बताइएगा अशोक का स्तंभ बताइएगा कि कहाँ स्थित है सभी लोग बताइएगा अशोक का स्तंभ चलिएगा कहा अशोक स्तंभ भारत में कहा स्थित है इंडिया में तो बिल्कुल भारत में कहा स्थित है चलिएगा सोनी जी का सही आंसर है बीना भारती जी का सही है उनको वैसे भारत में कहाँ स्थित है ये बताइएगा तभी भारत में कहाँ स्थित है ये बताइएगा भारत में कहाँ स्थित है चलिएगा अभिषेक जी का सही है और बताइएगा भारत में कहाँ स्थित है निधि जी का सही है जयाप्रभा का सही है अमित जी का सही है मनीष जी का सही है कुंदन जी का सही है रवि रंजन जी का सही है और बताइएगा बीना भारती जी का सही है रीतांजलि जी का सही है चलिएगा अश्विनी जी का भी सही है ध्यान रखिएगा सारनाथ में स्थित है ध्यान रखिएगा सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है तो सारनाथ में स्थित है यहाँ पे क्या तो ध्यान रेखेगा यानी जो अशोक स्थम है जहाँ पे यानी चार गो शेर का जो चित्र अंकित होता है यानी तीन आपको नजर आता है एक नहीं नजर आता है तो यही स्थित है इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यही भारत का क्या है तो राष्ट्रीय चीन है तो ये कहाँ स्थित है तो सारनाथ में स्थित है और सारनाथ में एक और स्थित है ध्यान रखिएगा धमेक स्तूप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कहाँ स्थित है तो ये भी सारनाथ में स्थित है दोनों अगल बगल में स्थित है आप जाकर के देख सकते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है की इंपीरियल पैलेस बताइएगा कि कहाँ स्थित है सभी लोग बता दीजिएगा इंपीरियल पैलेस बताइएगा लोग कहां स्थित है छियासठ नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया है चलिएगा कुंदन जी का सही आंसर आ गया है पिंटू जी का सही है जी 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 का 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 सही 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 है 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 बिना भारती निधि चलिएगा और बताइएगा रीतानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है प्रभा जी का सही है पूनम जी का सही है अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का भी सही है अभिषेक जी का सही है चलिएगा और बताइएगा सभी लोग बताइएगा इंपीरियल पैलेस कहां स्थित है चलिएगा चलिएगा मनीष राज बोला कि मेरा बैटरी एक परसेंट है चार्ज में लगा लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो नहीं तो ऐसे ही बंद हो जाएगा आपका मोबाइल चलिएगा कोमल जी का सही आंसर है अमित जी का भी सही है तो ध्यान रखिएगा टोक्यो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा टोक्यो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी टोक्यो स्थित है कहां में तो जापान में है तो ध्यान रखिएगा इंपीरियल प्लस कहाँ स्थित था जापान टोक्यो बिल्कुल करेक्ट आंसर है धानी जी का भी सही आंसर है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका इसमें आ गया ध्यान पार्थ नान बताइएगा कि कहाँ स्थित है सड़सठ नंबर क्वेश्चन पार्थ नान बताइएगा चलिएगा रितानी जी का सही आंसर है पिंटू जी, जी का भी सही है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा निधि जी का सही है बिना भारती जी का सही है कुंदन जी का सही है चलिएगा धीरेन्द्र जी का सही है पूनम जी का सही है प्रभा जी का सही है कोमल जी का सही है विकास जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है पुष्पधारणी जी का सही है चलिएगा ज्ञान मंच जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सोनी जी का भी सही है ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन कहा जाएगा इसका ध्यान रखिएगा सड़सठ नंबर क्वेश्चन करेक्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बताइएगा किस देश ने गिफ्ट दिया था बताइएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बताइएगा चलिएगा किस देश ने गिफ्ट दिया था बताइएगा चलिएगा कुंदन जी का सही आंसर आ गया है जितेंद्र जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है स्थित नहीं स्थित न है मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि, कि किसने गिफ्ट दिया था चलिएगा चलिएगा जयाप्रभा प्रभा का सही है चलेगा मनीष राजी का सही है चलेगा निधि जी का सही है अंकुश ऑफिस जी का सही है बीमा जी का सही है बिना भारती जी का सही है जहां प्रभा का सही है ज्ञान मंच जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए तो बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा ध्यान फ्रांस ने गिफ्ट दिया था स्थित है ध्यान अमेरिका में स्थित है लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जगह अगर यूनिटी अगर कर देगा तो ध्यान रखेगा यह भारत में स्थित है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा जो सबसे ऊंचा मूर्ति है कल ही हम लोग इसका चर्चा किए हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है क्रैमलिन में बताइएगा कि किसका समाधि स्थित है बताइएगा क्रैमलिन में बताइएगा कि किसका समाधि है सभी लोग बता दीजिएगा क्रेमलिन में बताइएगा कि किसका समाधि है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए चलिएगा चलिएगा जितेंद्र जी का सही आंसर आ गया और है और बताइएगा किसका समाधि है बताइएगा चलिएगा या प्रभा का सही है निधि जी का सही है अभिषेक जी का सही है किसका समाधि है क्रेमलिन में चलिएगा धीरेंद्र जी का सही है कुंदन जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा और बताइएगा पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा किशोर जी का सही है पिंटू जी का सही है लेलिन इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिएगा यानी लेलिन की समाधि है ध्यान रखिएगा क्रेमलिन जो है वो क्या तो ध्यान रखिएगा रूस मास्को में है वहां किसका है तो लेलिन की समाधि है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा लेलिन का जो डेट बॉडी है अभी भी वहां रखा हुआ है लेकिन कुछ समय पहले चर्चा में आया था कि उसको अब हटाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा यानी किसका तो लेलिन का समाधि है और लेलिन ऐसा शासक था जो दोनों हाथों से लिखता था ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों हाथों से एक साथ यानी दोनों हाथों से जैसे थ्री इडियट्स में जो बारह से लिखता था एक दोनों हाथों से एक साथ उसी प्रकार लेलिन भी लेलिन भी लिखता है दोनों हाथों से एक साथ लिखता था इस उसी का डेट बॉडी आज भी क्रेमलिन जो रूस मास्को में है आज भी रखा हुआ है डेट बॉडी को तो आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है थी था? में? किस लिए तो उसका डेट बॉडी आज भी लेलिन का रखा हुआ है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है की अड़तीसवीं रेखा बताइएगा कि किन दो देशों को जोड़ता है या किन दो देशों के बीच में स्थित है बताइएगा सत्तर नंबर क्वेश्चन आपके इसमें को पढ़ा गया है चलिएगा ज्ञान मन वायरस का नाम ले रहे थ्री इडियट्स वाला वायरस का नाम ले रहे हैं कोरोना वायरस का थोड़े नाम ले रहे हैं चलिएगा चलिएगा रितानली जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा बताइएगा सभी लोग चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा प्रभात जी का सही है चलिएगा बिना भारती जी का सही है चलिएगा सभी लोग बताइएगा जितने भी बेस्टमेंट हैं उदय सिंह जी का सही है कवि सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है चार पांच क्वेश्चन और है तो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा कोमल जी का सही है अरविंद जी का सही है मनीष राज जी का सही है चलिएगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है ध्यान रखिएगा और जो समानांतर रेखा है वो किसके किस कि, कि के बीच में तो ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में तो ध्यान रखिएगा उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में चलिएगा बिल्कुल चलिएगा अगला क्वेश्चन का स्क्रीन पे आ गया हाँ आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा डूरंट रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ है बताइएगा डूरंट रेखा का निर्धारण बताइएगा किस वर्ष हुआ है सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा कुंदन जी का सही आंसर आ गया है रितानी जी का सही है किस वर्ष निर्धारण हुआ है कहाँ कहाँ के बीच में यह क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर दिया कीजिएगा चलिएगा प्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है बीना भारती जी का सही है अमित जी का सही है चलिएगा नंद किशोर जी का सही है ज्ञान जी का सही है अरविंद जी का सही है अश्विनी जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है पुष्धधारी जी का सही है चलेगा तो बीमल जी का भी सही है पिंटू जी का भी सही है ध्यान रखिएगा चलिएगा कोमल जी का भी सही है तो अठारह सौ छियानवे जितने भी लेगा सभी का आंसर सही है अठारह सौ छियानवे में निर्धारण हुआ था डंटे रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अठारह सौ छियानवे चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन सर डुरंट के द्वारा निर्धारित किया गया था चलिए इसको किसने सॉरी <coughs> इसको सर डुरंट के द्वारा निर्धारित किया गया था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा डुरंट व्यक्ति ही था निर्धारित करने वाला उसी के नाम पे रखा गया था चलिएगा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पराया गया ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में बताइएगा कि कौन सी रेखा है बता दीजिएगा बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पराया गया है चलिएगा अमित जी का सही है आंसर कबीर सिंह जी का भी सही है चलिएगा और बताइएगा प्रभा जी का सही है पुष्पधारनी जी का सही है जया प्रभा का सही है बीना भारती जी का सही है अरविंद जी का सही है अंकुश ऑफिसिया जी का भी सही है बीना भारती जी का सही है अश्विनी जी का सही है पूनम जी का सही है सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जया प्रभा का सही है विकास शर्मा जी का सही है बीमल जी का भी सही है चलिएगा अरविंद जी का भी सही है चलेगा मैगनी नॉट रेखा जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है ध्यान रखेगा मैगनी नॉट रेखा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो किसके किसी भी तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है तो मैगनी नॉट रेखा चलिएगा बिल्कुल करेक्ट सभी का आंसर आ रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि तो भारत और चीन के बीच में बताइएगा कि कौन सी रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच में तिहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके सीख के ऊपर आ गया है दो क्वेश्चन और है चलिएगा कुंदन जी का सही है कोमल जी का सही है रितानी जी का सही है, धीरेंद्र जी का धीरेन्द्र जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही प्रभा प्रभाजी का सही है, दीपक जी का सही है मनीष राज जी का सही है बिना भारती जी का सही है ज्ञान मंच जी का चलिएगा अश्विनी जी का सही है ज्ञान मंच जी धन्यवाद चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा

रितानी जी का सही आंसर आ गया है मुकेश जी का सही है मनीष राज जी का सही है कुंदन जी का सही है कोमल जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है जया प्रभा का सही है रितानी जी का सही है अरविंद जी का सही है धीरेन्द्र जी का सही है ज्ञानमन जी का सही है चलिएगा विकास शर्मा जी का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है रविरंजन जी का सही है तो साधारण जी का विषय है चलिएगा तो यूएसए कनाडा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ध्यान रखेगा यूएसए और कनाडा के बीच में यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है यह भी आप लोग ध्यान रखेगा उनचासवीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच यूएसए कनाडा के बीच में चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके समा गया ध्यान दिया कि चौबीस डिग्री अचानक रेखा बताइएगा किसके किसके बीच में है चौबीस डिग्री अच्छाश रेखा बताइएगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके गया है सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा चलिएगा जितेंद्र जी का सही आंसर आ गया है चौबीसवीं समानांतर रेखा बताइएगा चौबीस डिग्री अछांश रेखा बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सिंह आ गया है इसके बाद आपका होमवर्क दिया जाएगा तो सभी लोग होमवर्क नोट करके आप लोग जाइएगा चलिएगा संगीता जी का सही है पूनम जी का सही है बिना भारती जी का सही है ज्ञान मन जी का सही है कुंदन जी का सही है प्रभा जी का सही है चलिएगा रविरंजन जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है नंदकिशोर जी का सही है चलिएगा इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ध्यान रखिएगा यानी चौबीस डिग्री अच्छा जो रेखा ध्यान रखिएगा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी भारत पाकिस्तान लगाए सभी का आंसर सही है पुष्टधारी जी का सही है बीमल जी का सही है पिंटू जी का सही है अमित जी का भी सही है चलिएगा तो आज का हम लोग का पचहत्तर क्वेश्चन समाप्त हुआ और जो होमवर्क आपका दिया हुआ था सभी होमवर्क से करीब करीब क्वेश्चन हो गया बच गया तो अगला क्लास में आपका पूछा जाएगा चलिएगा तो अब आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा कल आपका क्लास बंद रहेगा अगला क्लास आपका सोमवार का रहेगा चलिएगा तो सोमवार के लिए होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा आर एस पी चलिएगा आरस एसपी डी में पेज नंबर जो आपको नोट करना है वो कौन सा तो ध्यान रखिएगा तेरह तक हो गया बारह तक हुआ तेरह नंबर तेरह तक हो गया लगता है तेरह तक हो गया चौदह नंबर पेज ध्यान रखिएगा चौदह नंबर पेज आरस एसपी डी में चौदह नंबर पेज पढ़कर क्या आना है <coughs> चलिएगा ज्यादा मिलेगा उतना भरी याद करने भर मिलेगा ऐसा नहीं कि छुट्टी में ऐसा थोड़ा है कि भूख लगा हुआ रहता है तो चार रोटी के जगह आठ रोटी खाते हैं ऐसा खाते हैं कभी नहीं तो, तो उतना होमवर्क मिलेगा याद करने से कम कर नहीं रहेगा याद करने के आसपास आपका मिलेगा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा होमवर्क के लिए चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ कर के आइएगा ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में यूरोप महादेश आप लोग पढ़ कर के आइएगा यूरोप महादेश एशिया भी आप लोग रिविजन कर लीजिएगा यूरोप महादेश पूरा पढ़ के आइएगा यूरोप महादेश चलिएगा यूरोप महादेश पढ़ करके आइएगा पूरा ज्योग्राफी में आप लोग नोट करते हुए रहिएगा नोट आप लोग कर दिया कीजिएगा क्योंकि आपका जो होमवर्क जाएगा वो चार पाँच बजे के आसपास में आपका अपलोड किया जाएगा कम्युनिटी पे तो आप लोग पहले जो क्लास में अवेलेबल है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा यूरोप महादेश अच्छा है ज़्यादा छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो यूरोप महादेश पूरा पढ़ करके आइएगा उसके बाद ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला आप लोग बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में हम लोग कहाँ तक चले थे उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बायोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर पाँच चल रहा था चैप्टर नंबर पाँच कौन सा है यानी वनस्पति विज्ञान में जो हम लोग नग्न बीजी पौधा तक हम लोग पढ़ लिए थे तो ध्यान रखिएगा आविरती बीज से पादप पुस्तक तक पढ़िएगा बायोलॉजी में चैप्टर नंबर पाँच है वो कौन सा चैप्टर है ध्यान रखिएगा वनस्पति विज्ञान में नग्न बीजी पौधे ध्यान रखिएगा वनस्पति विज्ञान ध्यान रखिएगा चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान विज्ञान पाँचवा नंबर चैप्टर है ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर पाँच चैप्टर नंबर इधर उधर हो गया न्यू बुक में तो आप लोग ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर इधर उधर है ध्यान रखिएगा वनस्पति विज्ञान चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान और टॉपिक जो पढ़कर के आना है आविरती बीजी नग्न बीजी पौधा तक हो गया था तो आविरती बीजी से पढ़कर के आना है आविरती बीजी पौधा से लेकर के कहाँ तक पढ़ कर क्या आपको आना है पादप उत्तक तक ध्यान रखिएगा पादप उत्तक तक पढ़ कर क्या ना है आपको समझे आविरती बीजी पौधा से लेकर के पादप उत्तक तक पढ़ कर आना है कौन सा चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान पांचवा नंबर चैप्टर है चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा ज्ञान मन जी परेशान हो जाते हैं कोई बात नहीं सभी को परेशानी तो सभी को जिंदगी में परेशानी किसको नहीं है तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दिया कीजिएगा वीडियो को आप लोग कम से कम पांच छह ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक आप लोग कर दिया कीजिएगा वीडियो को अभी तक अगर आपका अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं जाता है ग्यारह बजे तो ग्यारह बजे नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा समझे अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे ग्यारह बजे सेम टाइम सेम प्लेस जिसमें आपका करेंट अफेयर और जीके जी इसका क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा होमवर्क सीरीज के रूप में चलिएगा सभी लोगों को सभी लोग घर पर रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद जय हिंद